एक इम्पीडेंस कैलकुलेशन होती है, इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं क्या? अच्छा, प्रतिबाधा की गणना, अपन दोनों मीडियम में कंफर्टेबल हैं, प्रतिबाधा और प्रतिघात, इम्पीडेंस एंड रिएक्शन कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Sometimes you have combination L R, you have combination L C, you have combination L C R. So, uski impedance nikalna Z, mod Z, under root R square plus XL minus XC whole square. Calculation of RMS current. You should know about the phase difference which is created in different elements. Phase difference ko Hindi mein bolte hain. हरियाणा है मुझे कलांतर, कलांतर की गणना करना. हाँ, कलांतर की गणना करना, जैसे कि इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल में करंट और वोल्टेज के बीच में 5/2 का फेज डिफरेंस होता है और करंट 90 डिग्री पीछे चलता है. कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे चलता है, रजिस्टर में करंट सेम फेज में चलता है. एक क्वेश्चन पक्का आपको जेई मेन वन में मिलना चाहिए, मेरी उम्मीद है. देन रेजोनेंस, रेजोनेंस आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, हमेशा जुड़ा रहेगा और एसी चैप्टर के थ्रू ये फिर से जुड़ेगा. एसी में रेजोनेंस करके एक टॉपिक आएगा. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, रेजोनेंस जब होता है तो सर्किट की नेचर कैसी होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ के अलावा जैसे क्यू फैक्टर करके एक फैक्टर आप पढ़ोगे, आपने क्यू फैक्टर, कितने बच्चे क्यू फैक्टर के बारे में जानते हैं? ओके, दिस इज अ टर्म कॉल्ड क्यू फैक्टर. क्यू फैक्टर का मतलब होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ. हायर द क्यू फैक्टर, बेटर द रेजोनेंस. सो दिस इज एसी. बाकी तो फिर उसमें छोटी मोटी और बाकी चीजें आप देख ही लोगे, मुझे आपको मेन चीज बताई है. एसी के बाद मॉडर्न फिजिक्स वन, मॉडर्न फिजिक्स वन में बच्चों वैसे भी जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरे को चार लेक्चर से ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स वन पढ़ाने नहीं लगता, चाहे किसी भी बैच में पढ़ाना हो, फोर लेक्चर्स मैक्सिमम है. उसमें पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के दोनों पार्ट में से बच्चों 10% आता आता है, 10% फिक्स बैठे हैं, चाहे कौन सा पेपर हो, चाहे वो आई टी एडवांस का हो, चाहे जेई मेन का पेपर हो, 10% का वेटेज है. बोर्ड एग्जाम में 20% के आसपास आता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में केवल 12 का पूछा जाता है. तो मॉडर्न फिजिक्स वन में आपको तीन क्वेश्चन मिलने के चांसेस जरूर हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं करंट की, फोटो करंट की कैलकुलेशन बहुत आसान होता है. एच न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन आता है, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस करते हैं, वर्क फंक्शन माइनस करने के बाद जो बचता है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाता है. तो एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू के ई मैक्स वाला जो फॉर्मूला है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है. इवन पिछले साल आई आई टी में एक क्वेश्चन आया था, उसके पिछले साल भी आया था एडवांस में, दैट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, मतलब सीधा इंटीजर में क्वेश्चन आया था, सिंपल कैलकुलेशन करनी थी. स्टॉपिंग वोल्टेज कैसे निकालते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी. आप रीडिंग मारेगा तसल्ली से, मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है, आप रीडिंग मारिएगा, आपको फोटो लेके इफेक्ट खुद समझ में. मैं एक को 40 मिनट लगते पढ़ाने में, क्योंकि मेरे को सब लिखाना होता है. एक बच्चा अगर तसल्ली से रीडिंग मारेगा ना, 20 मिनट में हो जाए, तो फिर क्वेश्चन कर लो, उसके डाउट पूछ लो फिर यहाँ आके डाउट क्लास में. सेकेंड टॉपिक इज, अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जस्ट बाद हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं मैटर वेव्स. मैटर वेव में बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन बी. इतना सा फॉर्मूला और पिछले 15 सालों में 10 से 12 क्वेश्चन इसके आईडीजे एडवांस में आ चुके हैं और 5 से 7 क्वेश्चन जेई मेन में आ चुके हैं. इतना छोटा सा फॉर्मूला, कोई सोच भी नहीं सकता लैम्डा बराबर एच अपॉन बी पे इतने भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या. थोड़ा घुमा के देते हैं, लेकिन फॉर्मूला वही होता है. यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. फोटोन के लिए लेमडा बराबर एच अपॉन पी नहीं लगता, लेमडा बराबर एच अपॉन पी किसके लिए लगता है, सिर्फ पार्टिकल्स के लिए, माइक्रोवेव के लिए. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ना, जरा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है आप लोगों ने स्कूल टाइम पे उसको पढ़ा हो.
उसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलेट करा करके एक प्लेन पे गिराया जाता है और फिर उससे डिफ्रैक्शन कराया जाता है और वेवलेंथ नापी जाती है. वो वेवलेंथ लैम्डा बराबर एच ओपन पी के बराबर आ जाती है और उससे प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे जो बिहेवियर है वो वेव जैसा है. डिविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट. देन थर्ड अगला है इसके अंदर बोर मॉडल. बोर मॉडल की अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री में आ जाता है. रेडियस एनर्जी कैलकुलेशन तक का तो पार्ट बहुत आसान होता है. रेडियस एनर्जी कैलकुलेशन, इसमें एक रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी आती है. इलेक्ट्रॉन आगे निकलो, फोटोन आगे निकला, एटम पीछे भागता है, कितनी स्पीड से भागेगा. लाइमन सीरीज, ब्राह्मन सीरीज, पार्शन सीरीज, वो सब सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. बहुत आसान है, मतलब एक एक फॉर्मूला है. 1 बाय लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस और मेरे ख्याल से कई बच्चों को याद भी होगा, कितने बच्चों को याद है. तो ये बहुत ईजी है, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए. छोटा जनरली बताता हूँ वरना आपका डिनर लेट हो जाएगा. देन एक्सरे. एक्सरे में देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है एक लाइन की. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. सतत एक्सरे व अभिलाक्षणिक एक्सरे के बीच का अंतर. जिस बच्चे को आता है ना जेई बैंक का सवाल, जेई एडवांस का सवाल पक्का हो जाएगा उसको. 30-40 मिनट में आप रीडिंग मान लोगे. एक मोजले लो, मोजले लो का फॉर्मूला होता है रूट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी. हमें याद आ रहा थोड़ा थोड़ा. मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी जमा रखी थी. बाद में मोजले को जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो ज्ञान मिला कि थोड़ी गड़बड़ है इसमें. उनको ए के हिसाब से नहीं जमाना चाहिए, उनको जेड के हिसाब से जमाना चाहिए. तो मोजले लो उसमें है. देन कम्स न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स में दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. एक बाइंडिंग एनर्जी का, बंधन ऊर्जा न्यूक्लियस की, और एक रेडियो एक्टिविटी का. रेडियो एक्टिविटी में भी कई सारी रिएक्शंस होती है, बट ए चेंजिंग इनटू बी इज द बेस्ट रिएक्शन. सबसे छोटी रिएक्शन है, सबसे आसान रिएक्शन है. ए बी में कन्वर्ट होता है और पूछते हैं कि बताओ इतने टाइम के बाद कितना रह जाएगा, एक्टिव न्यूक्लियर कितनी रह जाएगी और कितने न्यूक्लियर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी. वो सब एक्टिविटी निकालना छोटी छोटी चीज है. दो क्वेश्चन, ठीक है. ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स. एक बड़ा पोर्शन है जो जनवरी और फरवरी में हम कंप्लीट करने वाले थे. इसमें भी केमिस्ट्री वाले पार्ट में अगर थर्मोडायनेमिक्स हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हो जाता तो अच्छा रहता. लेकिन हमारा जो एसीपी का मटेरियल है वो इतना आसान है कि आप अगर रेडी मारोगे ना. थर्मोडायनेमिक्स के अगर मैं आपको पॉइंट्स गिनाऊं तो पहला जो पॉइंट है वो है केटीजी वाला, जिसमें अपन वीआरएमएस निकालते हैं, अंडर रूट 3 RT/m, वी मैक्सिमम प्रोबेबल निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं. मिक्सचर के अंदर टेम्परेचर अगर दे रखे हैं दो, उनको मिक्स करके हम लोग अगर मान लो वो निकालते हैं एनर्जी या स्पीड निकालते हैं, या दो गैसेस का मिक्सचर करके इंटरनल एनर्जी निकालना, फाइनल टेम्परेचर निकालना, वो 15-20 मिनट का असाइनमेंट है. उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितने बच्चों को याद है? डेल्टा बराबर डेल्टा प्लस डेल्टा डब्ल्यू. फिजिक्स में थोड़ा अलग होता है. डेल्टा डब्ल्यू गैस हम लोग लिखते हैं, केमिस्ट्री वाले क्या डेल्टा डब्ल्यू को लेफ्ट साइड में ले जाके डेल्टा डब्ल्यू वन गैस लिखते हैं. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रूल एक ही है. उसके अलावा आगे बढ़े तो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. थोड़ा सा और इसमें एडिशन कर रहा हूँ. एक बच्चों कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला, 1 - T low upon T high, सिंपल सा एक लाइन का फॉर्मूला. एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं जेई मेन में. कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर्मूला बेस्ड है. और हमारा हम ऑलरेडी हैंडआउट से पढ़ाते हैं इसको. वो हैंडआउट इतना बढ़िया तरीके से लिखा गया है कि अगर आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली वैसा ही कर सकते हैं जैसे मेरे साथ आज बीडी में हुआ. तो ये हीट वाला हो गया. उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी. विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी
ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनकी इनको भी हम हैंडआउट से पढ़ाते हैं, इवन रेगुलर कोर्स में भी हैंडआउट से पढ़ाया जाता है। हैंडआउट में थ्योरी लिखी है, उसके साथ क्वेश्चन, थ्योरी फिर क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट है कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। कैलोरीमेट्री वाला पार्ट कभी कभी हम हैंडआउट से पढ़ाते हैं, कभी कभी हम पढ़ा देते हैं क्लास में, क्योंकि टाइम के हिसाब से देखते हैं। अगर हमको लगता है कि टाइमिंग है तो क्लास में पूरा पढ़ा देते हैं। पढ़ाने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटे 40 मिनट लगते हैं। जिसको भी बोलते हैं पढ़ाने में आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं ना, उसको सेल्फ स्टडी में 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि वहां पर हमें अच्छी चीज सिखानी होती है। तो ये टॉपिक है बच्चों जो 5 जनवरी के बाद आपको पढ़ाए जाने हैं। और ये जो दिवाली की छुट्टियां हैं, आपको इन दिवाली की छुट्टियों में इन टॉपिक्स को अपनी तरफ से तैयार करना है। मैं खुद लिए 2-4 टॉपिक्स और बोल रहा हूँ जो जेईई मेन के लिए खासे इम्पोर्टेंट है, और 5 जनवरी से पहले वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। बट ये तो फोकस ऑन दैट, जैसे सेमीकंडक्टर्स में पिछले 3 सालों में 6 क्वेश्चन जेईई मेन में आए हैं। मैं ऑफलाइन वाले जेईई मेन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, इसी प्रोपोर्शन में ऑनलाइन में रहता है, कभी कभी ऑनलाइन में ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे गए अभी तक सेमीकंडक्टर में। डायोड तक का पार्ट में 1 क्वेश्चन आने का चांस है, देन 1 क्वेश्चन आ सकता है या तो ट्रांजिस्टर में या फिर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बहुत आसान होते हैं, बट यू हैव टू स्पेशली फोकस ऑन दिस। देन वे ऑप्टिक्स में स्पेशली डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन या डिफ्रेक्शन दोनों में से एक सवाल जरूर आता है, और पिछले 3 सालों में 4 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स पे जेईई मेन में आए हैं। 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यह बहुत छोटा टॉपिक है, अगर एनसीईआरटी से पढ़ लिया जाए तो भी हो जाता है, लेकिन हमने इसको प्लानिंग में पहले कर लिया। मैंने सारी प्लानिंग को इस तरह से अरेंज किया कि जेईई मेन वाले जो स्पेशल टॉपिक्स हैं वो तो जेईई मेन 1 से पहले हो ही जाए। पहले बाद में थे, लेकिन अब हमने इसको दिसंबर से पहले करने का डिसाइड किया है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज सच ए स्मॉल टॉपिक, इतना छोटा सा टॉपिक है, उसमें जुम्मा जुम्मा अगर देखें तो एक फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ LOS, लाइन ऑफ साइट कैलकुलेशन, √2GH। वो H कौन सा H है, वो टावर की हाइट होती है। आप पढ़ोगे मतलब मजा आएगा, और बाकी थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल क्या है कि ग्राउंड वेव्स क्या होती है, ग्राउंड वेव्स कौन सी होती है, स्काई वेव्स कौन सी होती है, स्पेस वेव्स कौन सी होती है। हमने अगर 12th के टाइम पढ़ा था, आपको याद होगा, बहुत आसान, मतलब आधे पौन घंटे में पढ़ा दिया जाता है इसको, 15 मिनट में सेल्फ स्टडी हो जाती है। एरर्स, अभी एक सुबह के एक सेशन में मैं आ गया था 10 मिनट के लिए, तो उस समय ऐसे ही पिछले साल का जेईई मेन का पेपर खोल के देख रहा था, तो पहला ही क्वेश्चन एरर का था, एरर इन मेजरमेंट। उसमें भी खास तौर पे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सर्च एक्सपेरिमेंट, परसेंटेज एरर कैलकुलेशन, ध्यान रखिएगा 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एरर की कैलकुलेशन 2 तरह से दी जाती है, x = y (z), x में इतनी परसेंट एरर है, z में इतनी है, y में एरर बताऊँ। दूसरा होता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने, सिंपल पेंडुलम से टाइम पे था, एक बार 2 सेकेंड आया, एक बार 2.02 आया, एक बार 2.03 आया, एक बार 1.98 आया, तो उसमें कैसे एरर निकालते हैं, उसको कैसे एवरेज आउट करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताई दिया, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखाया जाएगा क्लास में, डायरेक्ट उसका डेरिवेशन नॉर्मली किया नहीं जाता है, रिलेटिविटी की थ्योरी से होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ चुका है पिछले 2 सालों के अंदर, और मेरे को जहां तक ध्यान है हमारे यहाँ एक ही बच्चे का उस टाइम करेक्ट हुआ था, जिस बैच को मैं पढ़ाना था, IP को, पवन, वो यार पवन ने ही करेक्ट किया था, बिकॉज दैट वॉज ए आउट ऑफ द वे फॉर्मूला। नॉर्मली हमको जो फॉर्मूला याद होता है तब लागू होता है जब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड की आधी थी, तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो डिफरेंट फॉर्मूला लगता है, √c - v/2 / c + v/2 × f। तो वो बहुत ही कम बच्चों को याद था, तो फॉर्मूला अपने को ध्यान होना चाहिए। देन रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता,
रेले क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन. रेले रेले इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ही इज गिवन ए क्राइटेरिया फॉर क्लियर रेजोल्यूशन. जस्ट रेजोल्यूशन के लिए क्राइटेरिया दे दू. आपको ध्यान होना चाहिए. डिफेक्ट ऑफ आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिस, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और एक और पता नहीं क्या है जो भी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बच्चों खास तौर पे वो ध्यान रखना है आपको कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का म्यू आर क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक का क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक का क्या होता है, हिस्टेरेसिस क्या होता है और एक खास बात कोएर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी क्या होती है. आई डोंट रिमेम्बर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कोएर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी. कोएर्सिविटी का मतलब है कि किसी मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड को वॉश आउट करने के लिए, खत्म करने के लिए हमको उल्टी डायरेक्शन में कितना एक्सटर्नल फील्ड लगाना पड़ेगा. रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि जब हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो उसमें कितना फील्ड बच जाता है, उसकी स्ट्रेंथ. तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हाई कोएर्सिविटी चाहिए, लो चाहिए. चांस की बात है कि आप तब तक पढ़ लोगे, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका फोकस बढ़ जाए वहां पर. मीजनर्स इफेक्ट नाम से दिखता है. मीजनर्स इफेक्ट नाम से आता है. व्हाट इज मीजनर्स इफेक्ट? देयर इज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी इन सेमीकंडक्टर दैट व्हेनेवर यू अप्लाई एनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेमीकंडक्टर द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो. बिकॉज सुपरकंडक्टर. सुपरकंडक्टर की विशेष प्रॉपर्टी होती है यानी कि आप फील्ड लगाओ बी नॉट, उसके अंदर उल्टा जनरेट हो जाएगा बी नॉट, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. दिस इज मीजनर्स इफेक्ट. मीजनर्स इफेक्ट में ये बताया जाता है कि परफेक्ट डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है सुपर कंडक्टर और उसका जो म्यू आर होता है वो जीरो होता है. म्यू आर मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. पोलराइजेशन डिफ्रेक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ. तो अच्छा उसके अलावा बच्चों एक फोर्स एंड लेंथ ऑसिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है. आपको एक बार उसकी रीडिंग मार के जानी है. आपने शायद एसएसएम तो पढ़ लिया अभी? अच्छा नहीं पढ़ा. अच्छा होने वाला होगा. फोर्स एंड डैम्ड ऑसिलेशन में फोर्स ऑसिलेशन तो फिर भी कम चांस रहते हैं. केवल 2006 में 5 में एक बार आया था फोर्स ऑसिलेशन, लेकिन डैम्ड लगातार आता रहता है. और दूसरे साल डैम्ड ऑसिलेशन आता है. इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला यू कैन राइट. ई इज इक्वल टू ए नोट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m. मतलब जब पढ़ोगे तो आपका ध्यान अपने आप चला जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था. एक्सपोनेंशियल डीके होता है एम्पलीट्यूड का. जब रियल लाइफ में होता भी, जैसे कई बार हम लोग जब छोटे थे तो माता पिता हमको गार्डन में लेके जाते थे और झूले पे बिठा के धक्का मारते थे तो थोड़ी देर तो झूला आराम से चलता था, बाद में वो डैम्प हो जाता था और रुक जाता था. दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन. अगर आपको लगातार झूला झूलना है तो आपके जो भी गार्जियंस आपके साथ जाते थे उनको बार बार आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे धक्का मारना पड़ता है. वो कहलाता है फोर्स ऑसिलेशन. डैम्प अगर आपके गार्जियंस आपके पीछे से हट जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल की डैम्पिंग आपके जीवन में हो सकती है. फोर्स जो भी चल रहा है लाइफ में, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू हैव, वट एवर यू हैव टिल नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, वो फोर्स ऑसिलेशन. आपके जीवन के जो ऑसिलेशन हैं वो उन्हीं की देन है. सो रेस्पेक्ट देम एंड डू समथिंग फॉर देम. दैट इज ऑल अबाउट फॉर टूडे. फिर हम कभी फिर मिलेंगे और फिर मैं आपको बाकी चीजें और बताऊंगा. रिलैक्स रहे, खुश रहे. रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है. बैलेंस रहे, है ना. और धोनी की तरह खेलें, विराट कोहली की तरह खेलें. ठीक है. गुड लक. हैप्पी दिवाली. पहले इसको लाइन से देखना. अभी आप सुन रहे थे सीएसएस सर को. एचओडी फिजिक्स और वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट वेलफेयर बॉयज. जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें. और बस अंत में इस लाइनों के माध्यम से खत्म करना चाहूंगा. सर ने बहुत ही खूबसूरत बात कही. डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर.